गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सीखेंगे टैली। तो टैली स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टैली के न्यू जीएसटी वर्जन वाले को आप कैसे डाउनलोड करेंगे। और ये एक ट्रायल डाउनलोड होगा, क्योंकि अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड और टैली पर फुल्ली वर्क करना है विथ डेट चेंजेस और विथ ऑल द फैसिलिटीज, तो आपको टैली परचेज करनी होती है। बट अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप फॉलो करके सिंपली आप टैली डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरे बताए ट्यूटोरियल से आप टैली बहुत सिंपल और ईजी वे में सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन करिए, गूगल क्रोम और मोजिला, वट एवर यू आर यूजिंग। तो आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है डाउनलोड टैली, देन एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप डाउनलोड टैली या फिर टैली डाउनलोड या फिर टैली ईआरपी 9 डाउनलोड करके लिखेंगे, आपके पास एक लिंक आएगा टैली ईआरपी 9 डाउनलोड। ओके, सिंपली इस पर क्लिक करना। देन क्लिक करने के बाद आपके पास इंस्टॉल नाउ और डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए, सेटअप डाउनलोड ना हो, तो आप डायरेक्ट इंस्टॉल नाउ कर सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर सपोज आपका फाइल कोई करप्ट हो गया या फिर टैली आपके पास अवेलेबल नहीं है किसी वायरस या बैड एक्टिविटीज के चलते, अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर करप्ट कर जाता है, टैली करप्ट कर जाता है, तो आपको फिर से ये प्रोसेस करना होगा। सो बेटर कि आप उसका सेटअप डाउनलोड करके रख लें, इनकेस कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप तुरंत उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर टैली डाउनलोडिंग के लिए ऑप्शन आ रहा है, ये 87.27 MB का फाइल है। देन स्टार्ट डाउनलोड, और इफ़ आपके पास कोई डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो डायरेक्टली आपके यहाँ पर सेटअप के ऑप्शन पर दिखेगा। तो स्टार्ट डाउनलोडिंग करता हूँ। तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन के अकॉर्डिंग। आपका इंटरनेट कनेक्शन अगर फास्ट होगा तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, और स्लो होगा तो ये थोड़ा टाइम लेगा। ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं है। तो लेट्स सी, टैली डाउनलोड हो जाएगा तो आपके पास सेटअप आ जाएगा। इस तरह का आइकन आपके पास आएगा सेटअप का, जो आपके लोकेशन पर आएगा जहाँ पर आपने उसको डाउनलोड किया है। बेसिकली या तो डेस्कटॉप पे होगा या फिर आप अपने यूजर्स फाइल में चले जाएंगे। यूजर्स फाइल में आपके पास एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड फोल्डर का, उसको आप ओपन करेंगे और आपको यहाँ पर मिल जाएगा वो सेटअप। ओके, तो क्या करना है, हम लोगों को सेटअप को डबल क्लिक करना है। सेटअप डबल क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कंप्यूटर, आपको यस करना है। ओके, देन यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है इंस्टॉल, इसलिए इंस्टॉल पर क्लिक करें। टैली इंस्टॉलिंग आपके स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं टैली इंस्टॉल होने में, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है ये। बट हाँ, इसमें आप बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम टैली के इंट्रोडक्शन में जाएंगे। फिलहाल आप सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लें, देन हम लोग आगे सीखेंगे कि टैली पे कैसे वर्क करते हैं। और प्रोफेशनल और एजुकेशनल मोड पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बस आप हर चीज़ को सीख लें, देन मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर कोई बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, जिसके पास ऑलरेडी टैली परचेज है, देन उनके लिए भी ये ट्यूटोरियल है। और जिनके पास एजुकेशनल वर्जन है, इट मीन्स आपके पास परचेजिंग वाला टैली नहीं है, परचेज वाला टैली नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, आप भी पूरी तरह से सीख सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है इसको डाउनलोड करना। सिंपली आपको गूगल पर जाके टैली
डाउनलोड लिखना है, देन लिंक आएगा, देन आपको डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके उसके सेटअप को डाउनलोड कर लेना है, देन सेटअप को डबल क्लिक करके यस करके इंस्टॉल करना है। टैली इंस्टॉलिंग प्रोसेस सिंपली स्टार्ट हो जाएगा जैसा कि अभी चल रहा है। और देखिए, सो ये आपको एक मैसेज दे दिया, यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल टैली ईआरपी 9 सीरीज ए। ओके, जैसे ये सेटअप स्टार्ट हो जाएगा ये ऑटोमेटिक टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करके देगा। सो ये आपका टैली डाउनलोड हो गया। ओके, दैट्स कूल। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पर क्विट कर देना है, ठीक है, या फिर आप कंटिन्यू प्रेस करेंगे या फिर क्विट पर क्लिक कर देंगे और यस कर देंगे। दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ टैली ईआरपी 9 डाउनलोडिंग। सो होप You will understand. Happy learning.